सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैंने कुकर के अंदर ऑयल डाल ली है। ऑयल मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब लिया है। 2 किलो हमारी चने की दाल है और साथ में हमारा 2.5 किलो चिकन है। मैं जैसे जैसे चीज़ें ऐड करूंगी मैं इसके अंदर शामिल करती जाऊंगी। सबसे पहले मैंने ऑयल लिया, ऑयल के बाद अब हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। प्याज को थोड़ा सा हमने लाइट ब्राउन करना है और इसके बाद हम इसके अंदर अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल करेंगे। हम इसको लाइट ब्राउन करने तक थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। एक मिनट बस हम फ्राई करेंगे। इसके बाद साथ ही हम इसके अंदर अदरक लहसुन और साथ ही हमने गोश्त शामिल कर देंगे। अब हमने ये प्याज जो टमाटर और प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लिया। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन शामिल करेंगे। अब ये जो लहसुन है वो मैंने साबुत इस्तेमाल किया, ये देखें, ये मैं इसको ऐसे डालूंगी लेकिन इसके नीचे जो है वो अदरक मैंने कूटा हुआ है, क्योंकि जो लहसुन है वो इसके अंदर अपने आप जो है वो मिक्सअप हो जाता है, गल जाता है, अदरक नहीं होता। अब हम इसके अंदर गोश्त शामिल कर रहे हैं। शामिल करके इसको हम 10 से 15 मिनट तक ना फ्राई करेंगे और फिर इसके अंदर हम नमक मिर्च जितने मसाला डाल। अब हमने इसको गोश्त को भून लिया। अब मैं इसके अंदर नमक मिर्च शामिल करूंगी। सुर्ख मिर्च हमने बड़े खाने के चम्मच जो हैं वो 8 से 10 ली हैं। साथ में मैंने थोड़ी सी हल्दी ली है, हल्दी तकरीबन 2 खाने के चम्मच है बड़े, और नमक जो है वो अपने हसबे जायका इस्तेमाल करना है। अब हम इसके अंदर ये सारा कुछ शामिल कर देंगे। वैसे अंदाजे से बता रही हूँ कि आधा पाव जो है वो हम नमक इसमें शामिल करेंगे। एक पाव सुर्ख मिर्च, आधा पाव नमक, 2 खाने के बड़े जो चम्मच हैं वो हमने हल्दी शामिल की है, ये बाकी जितने मसाले अगर इसके अलावा हमने इसके अंदर हरी मिर्चें भी शामिल करनी है, जो हमने एक पाव सब्ज हरी मिर्चें ली हैं, लेकिन वो हम जब शामिल करेंगे जब ये हमारा दाल और गोश्त जो है पककर तैयार हो जाए। अब साथ ही मैं इसके अंदर चने की दाल जो मैंने पहले ही 2 किलो लेकर साफ करके भिगो दी थी, उसको भीगे हुए 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर चने की दाल भी साथ ही शामिल करते हैं। ये मैं अब दाल इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। सिर्फ हमने दाल शामिल करनी है, दाल का पानी नहीं। ये देखें, अब हमने दाल भी इसके अंदर शामिल कर ली है। अब मैं इसको एक दफा हलाती हूँ। बस हम इसको एक हल्का सा ऐसे हला लेते हैं। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करते हैं। पानी से हमने पूरा इसको भरना है क्योंकि दाल जिसमें गल जाए। अभी जस्ट हमने दाल गालनी है, बाकी जब ये दोनों चीज़ें गल जाएंगी उसके बाद हम मज़ीद इसके अंदर ज़रूरत के मुताबिक जो पानी वगैरह है वो शामिल कर लेंगे। ये देखें जी, अब हमने इसके अंदर पानी शामिल कर लिया। वेट लगाने से पहले ये देखें, मैंने जैसे आपको बताया था कि हमने 1 पाव के करीब साबुत सब्ज मिर्चें ली हैं, ये देसी मिर्चें हैं और ये थोड़ी तूश ज़्यादा तेज़ होती है, इसके लिए अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये सारी मैंने डाल दी। अब हम इसको वेट लगाएंगे। ये मैंने अब इसको वेट लगा लिया। तकरीबन हम इसे 20 से 25 मिनट जो है वो पकाएंगे कि दाल और गोश्त इसमें यकजा हो जाए, और इसके बाद हम इसको ग्राइंडर कर लेंगे। ये देखे जी, 25 मिनट हो चुके हैं। आफ्टर 25 मिनट्स अब हम इसको खोलेंगे, खोलकर देखते हैं कि दाल हमारी जो है वो गली है या नहीं। ये पानी इसका खुशक हो गया। अब हम चेक करते हैं कि जो दाल है वो गली है या नहीं गली।
अब ये देखें मैंने जो दाल है वो जग में डाली है। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। अब हमने इसको बस हल्के से एक या दो चक्कर लगाने, हल्का सा बस हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। वो इसलिए कि फिर ये ज़्यादा ही इसकी लुक तो आनी चाहिए ना, ये दाल वाली बिल्कुल मुलायम नहीं करनी इसको, ठीक है। चलिए अब हम इसको ग्राइंड करते हैं। मैं स्विच ऑन करती हूँ। ये देखें हमने इसको कर लिया। अब मैं इसको पतीले में शिफ्ट करती जाऊंगी। आपने इसको बहुत ज्यादा मिक्स नहीं करना। अब हम मजीद इसमें दाल ऐड करती हूँ और मैं इसी तरह इसको ग्राइंड करती जाऊंगी। जरूरत महसूस करें तो थोड़ा सा आपने इसमें पानी भी शामिल कर लेना है, फिर ये दाल इजीली जो है वो मिक्स हो जाएगी। बस अब मैं इसी तरह सारी दाल को तैयार कर लूंगी। ये देखें जी, अब हमारी जो हलीम है उसकी कुछ यूं शक्ल हो गई है। ये नियर टू रेडी है, ये तैयार हो रही है। अब फाइनल इसको दो से चार जो हैं वो उबाले आएंगे। उबाल आने के बाद आप इसके अंदर हम जो है वो धनिया शामिल करेंगे, हरा धनिया, और ये फिर पक जाएगी। अगर आपको मज़ीद लगता है, ये इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें आप, ये इसकी कंसिस्टेंसी है। आपने थोड़ी सी पतली रखनी है क्योंकि ये ठंडी, जब बिल्कुल माइनर सी, क्योंकि जब ये ठंडी होगी ना तो ये गाढ़ी शक्ल ले लेगी, इसकी कंसिस्टेंसी। चलिए अब धनिया डालूंगी, और धनिया डालकर फिर हम इसको एक से दो बॉईल आने का इंतज़ार करेंगे। फिर मैं, ये बिल्कुल तैयार हो चुकी होगी हमारी आज की जो हलीम है, चिकन हलीम न्याज, वो रेडी हो गया है। फिर हम इसको नान के साथ लोगों के घरों में तकसीम करेंगे। देखते हैं कि हम इसको किस तरह कैसे तकसीम करेंगे। नान जो है वो हमारे लग कर रेडी हो चुके हैं। ये अभी पकने का मैं मंजर आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। अब मैं हरा धनिया इसके अंदर काट कर दिखाती हूँ आपको। ये मेरी मामा जो है ना, वो साथ साथ आपको हरा धनिया काट कर इसमें डालते हुए शामिल करेंगी और दिखाती जाएंगी आपको। ये फ्रेश हम काट के इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। ये देखें, आप गार्निश करते वक्त भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। चलिए मैं इस तरह धनिया काट के इसमें शामिल करूंगी, और एक से दो बॉईल आने पर हमारी जो न्याज है वो बिल्कुल तैयार हो गई होगी। इसे फिर हम गरम गरम ही नानों के साथ तकसीम करेंगे। ये देखें जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि रेड कलर किस कदर इसके ऊपर अच्छा सा आया हुआ है, ठीक है। और ये हमारी जो न्याज है वो पककर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको बांटने लगे हैं। बाकी ही मैं आपको खाकर बताऊंगी कि इसका टेस्ट किस तरह का है।